subscribe to Nykaa TV and press the bell icon to make sure you never miss an update from us. फाउंडेशन को यूं ही फाउंडेशन नहीं कहते, वो सच में आपके लुक का और आपके मेकअप का फाउंडेशन होता है। लेकिन सही फाउंडेशन ढूंढे कैसे? फाउंडेशन कई टाइप्स के होते हैं, लिक्विड, स्टिक, पाउडर, मिनरल पाउडर, टिंटेड मॉइस्चराइजर और बीबी और सीसी क्रीम्स। उफ, कौन सा इस्तेमाल करें? आपके लिए कौन सा बेस्ट है? ये दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी त्वचा और उसका रंग। बेसिकली त्वचा तीन टाइप्स की होती है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कुछ हिस्सों में ड्राई और कुछ हिस्सों में ऑयली। ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा के लिए खास तौर पर कई फाउंडेशंस बनाए गए हैं, जो विटामिन्स और मॉइस्चराइजर से भरे होते हैं और त्वचा को नमी देते हैं। इन फाउंडेशंस में हाइरोलोनिक एसिड भी होता है, जिससे आपकी त्वचा ब्राइट और खिली खिली लगती है। लोटस इको स्टे सीरम फाउंडेशन रूखी त्वचा के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एक बहुत ही हल्का अल्ट्रा फ्लूइड फाउंडेशन है, जो आपकी त्वचा को पोषण देता है और आपके चेहरे की उम्र बढ़ने से रोकता है। अगर आपकी त्वचा चिपचिपी है और उसमें ज्यादा लकीरें नहीं है, तो ऑयल फ्री मैटिफाइंग फाउंडेशन आपके लिए सही होगा। इसे लगाने से आपको मैट फिनिश मिलेगा और पोर्स छोटे होंगे। ये फाउंडेशंस ऑयलीनेस को कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका फेस शाइनी नहीं लगे। आप मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कुछ लोगों के चेहरे के कुछ हिस्से रूखे होते हैं और कुछ हिस्से चिपचिपे। ज्यादातर गाल रूखे होते हैं और टी जोन यानी कि फोरहेड, नाक और चिन वाला हिस्सा चिपचिपा होता है। इस स्किन टाइप के लिए खास लिक्विड फाउंडेशंस बने हैं, जो आपके रूखे गालों को हाइड्रेट करते हैं और चिपचिपी टी जोन को ऑयल और शाइन फ्री रखते हैं। आप L'Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation ट्राई कर सकते हैं। ये सच में एक True Match Foundation है, क्योंकि इसमें 21 शेड्स हैं और आपको आपकी त्वचा को सूट करने वाला शेड आसानी से मिल जाएगा। और इसमें SPF 17 है, जो आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसके अलावा अगर आपको मुहासों की प्रॉब्लम है, तो आप मिनरल फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नेचुरल होता है। और ये हल्का और नेचुरल होने की वजह से आपकी त्वचा के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता और वो आसानी से सांस ले सकती है। ये एक बेहतरीन फाउंडेशन है, जो आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हो, या चेहरे के उन खास हिस्सों पर जिन पर दाग धब्बे हो, या आपके चेहरे के दाग धब्बे एकदम सफाई से छुपा देता है। अब बात करते हैं सीसी क्रीम्स की। सीसी का मतलब है कलर करेक्टिंग। अक्सर हमें चेहरे पर सिर्फ हल्का सा कवरेज चाहिए होता है, जिसके लिए हम सीसी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह आपकी स्किन के कलर को अडेप्ट कर लेता है, तो आपको सही शेड ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं लैक्मे 9 to 5 कॉम्प्लेक्शन केयर सीसी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। ये कम से कम 5 से 6 घंटे आपके चेहरे पर टिका रहता है। आप अपने मेकअप को सेट करने के लिए उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन क्लियर है, तो फाउंडेशन की जगह कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एक स्मूथ फिनिश मिलेगा। ये बहुत लाइट वेट होता है और आपके पसीने को सोक कर मैट फिनिश देता है। मैं नायका स्किन जीनियस स्किन परफेक्टिंग एंड हाइड्रेटिंग मैट पाउडर कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपको इंस्टेंटली एक ब्राइट लुक मिलेगा। अगर आपकी त्वचा क्लियर है और आपको सिर्फ एक हल्का सा कवरेज चाहिए, तो आप आपकी त्वचा को और स्मूथ करने के लिए लाइट टू मीडियम फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेली यूसेज के लिए भी बहुत अच्छा है। रोज ऑफिस या बाहर जाने से पहले आप इन्हें लगाकर जा सकती हैं। आप कीको मिलानो स्मार्ट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। इसे लगाने से आपका चेहरा स्मूथ और इवन लगेगा और नेचुरली ब्राइट लगेगा। हमें अक्सर पार्टीज और शादियों में जाना होता है, तभी हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना दिखे और वो अल्ट्रा स्मूथ दिखे। ऐसे टाइम पे फुल फिनिश फाउंडेशन बहुत काम आते हैं। ये चेहरे के दाग धब्बे और बड़े पोर्स को छुपा देते हैं और आपको एक अल्ट्रा स्मूथ और ग्लोई लुक देते हैं, जो पार्टीज और फंक्शंस में बहुत अच्छे लगते हैं। आप वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको प्रोफेशनल फुल फिनिश लुक देगा। इससे आपका मेकअप एकदम कैमरा रेडी लगेगा और सेल्फीज लेते वक्त आपको फिल्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि हमारे त्वचा के रंग के हिसाब से हमारे लिए कौन सा फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। अगर आपकी त्वचा गोरी है, तो आप ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपका रंग गेहुआ है तो आप अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका रंग डस्की है तो आप ये फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप, फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से मैच हो रहा है या नहीं ये पता लगाने के लिए आप उसे अपने हाथ में लगाकर मत चेक कीजिए, क्योंकि आपके हाथ और चेहरे का रंग अलग होता है। जॉ लाइन के थोड़ा ऊपर से शुरू करके गले तक लगाकर धूप में चेक करना चाहिए। जो शेड आपके चेहरे के रंग से नेचुरली ब्लेंड हो जाए वही आपके लिए बेस्ट है। सही फाउंडेशन मिलना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मिल जाए तो समझ लो आपने जंग जीत ली। देखते रहिए नायका ब्यूटी डायरीज, आखिर ब्यूटी का सवाल है।